brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। सबसे पहले खबर आई आतंकी बासित अहमद डार की, जिसकी सुरक्षा बलों को काफी लंबे वक्त से तलाश थी, मगर उसके साथ ही साथ 2 और आतंकी थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेर कर मारा है। डार के अलावा इस ऑपरेशन में मोमिन गुलजार और फहीम अहमद बाबा के रूप में पहचाने गए लश्कर के 2 आतंकवादी भी मारे गए। बात करें बासित अहमद डार की तो वो रेडवानी पाइन का निवासी था, लश्कर ए तैयबा के ऑफशूट ग्रुप TRF का कमांडर भी था और कई नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्याओं में वो शामिल था। डार के अलावा फहीम अहमद बाबा, वो लश्कर का आतंकी था। फहीम अहमद बाबा कुलगाम जिले के रेडवानी पाइन गांव में एक ओवर ग्राउंड वर्कर था। इसके अलावा आतंकी मोमिन गुलजार को भी सुरक्षा बलों ने घेर कर ठोका है। मोमिन श्रीनगर का रहने वाला था, उसने ये आतंकी गुट 2021 में ज्वाइन किया था। बता दें, जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक बासित डार, जो TRF का कमांडर भी था और ए श्रेणी का आतंकी था, उस पर 18 से अधिक मामले लगे थे। आपको बता दें, इन आतंकियों के साथ पिछले 40 घंटे से मुठभेड़ चल रही थी, जो आज जाकर खत्म हुई। फिलहाल सुरक्षा बल अभी भी उन इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुंछ इलाके में भी उन आतंकियों की तलाश जारी है जिन्होंने 4 मई को वायुसेना के काफिले पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक भारतीय वायु सेना के काफिले पर हमला करने वाले 3 आतंकियों की पहचान पाकिस्तानी सेना के पूर्व कमांडो इलियास और तो और लश्करे तैयबा के हदून और अबू हमजा के तौर पर हुई। इन आतंकियों की CCTV फुटेज की तस्वीरें भी सामने आई, ये सभी लश्करे तैयबा के आतंकी बताए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा कि इन तस्वीरों में एक आतंकी पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो भी है। इनमें से एक तस्वीर अबू हमजा की है, जो LET का कमांडर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले को अंजाम देने वाले संदिग्ध आतंकवादियों में से 2 के स्केच जारी किए थे। हमजा को आखिरी बार नारंगी और भूरे रंग का पठानी सूट पहने देखा गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने पर इनाम की घोषणा भी की। बता दें, भारतीय वायुसेना के वाहन पर जो हमला हुआ था उसमें 5 जवान घायल हो गए थे, बाद में 1 जवान शहीद हो गया। इसके बाद लगातार बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा, आतंकियों की धरपकड़ के लिए जंगलों को खंगाला जा रहा। इसी के साथ करीब 18 से 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही। कुल मिलाकर पूरी घाटी में सुरक्षा बल ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे कुछ आतंकियों को मौत के घाट उतारा भी जा चुका है। हालांकि जिन आतंकियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला किया उनकी तलाश जारी है और बहुत जल्द उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।